दिल्ली में जल का आतंक, यमुना में बढ़े जलस्तर ने बढ़ाई मुश्किलें, जलस्तर बढ़ने से घर से बेघर हुए लोग, खुले आसमान के नीचे कट रही है रात, पिछले दिनों दिल्ली में 36 घंटों से ज्यादा हुई बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया था। हालत इतने खराब हो गए थे कि राजधानी होने के बावजूद दिल्ली की सड़कें घुटने टेकती नजर आ रही थी। हालांकि पिछले 24 घंटों से बारिश नहीं हुई जिससे जिंदगी सामान्य हो चुकी है, लेकिन हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के चलते यमुना नदी उफान पर है। यमुना में पानी हथनीकुंड बैराज से पिछले 24 घंटों में दर्जनों बार रुक रुक कर छोड़ा गया है, जिसके कारण यमुना का पानी खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर बह रहा है। यमुना में पानी बढ़ने के साथ ही इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। प्रशासन की तरफ से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से हटा लिया गया है और राहत कैंपों में भेज दिया गया। दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर से सबसे पुराने लोहे के पुल को एहतियातन बंद कर दिया गया। पुलिस की तरफ से लोहे के पुल पर दोनों ओर से यातायात को बंद कर दिया गया। आज सुबह रेलवे ने भी इस पुल के ऊपर से गुजरने वाली 60 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया और 27 ट्रेनों को रद्द कर दिया। हालांकि यमुना में जलस्तर थोड़ा कम होने के बाद रेल यातायात को फिर से बहाल कर दिया गया है। इस वक्त मैं दिल्ली की यमुना पर बने पुराने लोहे के पुल के ब्रिज पर मौजूद हूं और ऐसी तस्वीरें इसकी बहुत कम दिखाई देने को मिलती हैं, क्योंकि इस ब्रिज पे अमूमन बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होता है। लेकिन यमुना में बड़े जलस्तर की वजह से एहतियातन तौर पर इस पुल पर यातायात को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। एक तरफ जहाँ पर यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर से रेलवे की लाइन बिछी हुई है, जिससे करीब 40 से ज़्यादा जो ट्रेन हैं वो भी उनके रूट्स भी प्रभावित होंगे, क्योंकि रेलवे ने भी अपनी गाड़ियों को यहाँ से फ़िलहाल डाइवर्ट कर लिया गया है। आपको बताएं कि जब से यमुना में जलस्तर बढ़ा है और यमुना में खतरे का निशान पहले ही पार हो चुका है, और अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी जो जलस्तर है वो 205 से ऊपर बह रहा है और 206 के बेहद करीब है। लेकिन उधर दूसरी तरफ यमुना किनारे रहने वाले गरीब तबके के लोगों के लिए मुसीबतें कम होती दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा आपदा से निपटने की पूरी तैयारी की बात की गई थी। एक बारी तो कल 6 लाख क्यूसेक छोड़ा था, वो आज शाम तक पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद शायद कम हो जाएगा। तैयारी पूरी है दिल्ली सरकार। प्रशासन द्वारा लोगों को यमुना किनारे से हटा तो लिया गया, हालांकि पर्याप्त सुविधाएं ना होने के चलते छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर दिखे। लोगों ने बताया कि सरकार द्वारा टेंट तो लगाया गया है, लेकिन वो इतना कम है कि बाकी लोगों के लिए रहने की कोई जगह ही नहीं है। फिलहाल जो है रैन बसेरा नहीं बनाया गया, बाकी वो उधर है, पल्ली तरफ है, वो फुल है। फुल है, वो फुल है। बोले तो आप लोग जब तक पानी भरा रहेगा घर में तब तक आप लोग ऐसे ही रहोगे? ऐसे सड़क पे डले रहेंगे और क्या करेंगे। 3 दिन से आ गया है। 3 दिन से? हाँ। 3 दिन से आप लोग बच्चों के साथ ऐसे ही रह रही हो और क्या? क्यों, कोई इंतजाम सरकार की तरफ से कोई शेल्टर बना के, कोई रैन बसेरा बना के नहीं दिया गया? कुछ भी नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे। चारों बच्चों को लेके आप ऐसे ही सड़क पे हो? हाँ। खाने पीने का क्या इंतजाम है? कुछ भी नहीं। वहीं दिल्ली के साथ साथ मथुरा तक पहुंच रही यमुना नदी में भी पानी का स्तर बड़ा दिखाई दिया। आमतौर पर यहां यमुना का पानी बेहद कम रहता है, हालांकि ज्यादा पानी आने के चलते पानी अब तट के किनारे तक पहुंच रहा है। कुछ इलाकों में यमुना का पानी अंदर भी घुस रहा है, हालांकि दिल्ली के मुकाबले यहाँ स्थिति सामान्य है। दिल्ली में फिलहाल बारिश नहीं हो रही है, हालांकि अगर हथनीकुंड बैराज से पानी आने वाले समय में और छोड़ा जाता है तो दिल्ली के लिए स्थिति गंभीर हो सकती है। अगर बात करें, दिल्ली सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि वो सभी एहतियातन कदम को उठा रही है। देखने वाली बात यही होगी कि आज शाम तक यमुना का जलस्तर क्या रहता है और निचले इलाकों में किस तरीके से क्या जलभराव की समस्या देखने को मिलेगी या नहीं।